इलीगल यदि रहेगा तो हम लोग ये जो मैटर है उसको एस्केलेट करके हम लोगों का जो एडीएम साहब तक पहुंचा देंगे, डीएम साहब तक पहुंचा देंगे। देखिए हमें नहीं लगता है कि लोगों को सत्य पता है, सत्य जानना चाहिए सब लोग। डॉक्यूमेंट्स सही दिखा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। बेकार की बातें पत्रिकाओं में लिखना, ये पत्रिकाओं में जो हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के एलिगेशन लगा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अच्छी तरह से स्टडी करें, बातों को समझें, उसके बाद रिपोर्ट। दीपेन लामा है, मैं मतिगढ़ा का बीएलआर हूँ। तो आज हम लोग एक अभियोग लेके जो न्यूज़पेपर आज एक प्रिंट हुआ था उसमें कहना था कि यहाँ गुलमा खाड़ी के आसपास में वो क्लेन लगा के और जेसीबी लगा के पूरा आपका रिवर बेड मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट हो रहा है बोल के वो अभियोग सुन के ही हम लोग यहाँ पर आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हुए थे। तो अभी हम लोगों का मैप देख के फील्ड ऑफिसर ने ये मापा मापी करके देखा मैप में, तो अभी हम लोगों को मालूम पड़ा कि ये जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है ये एक्सट्रैक्शन आपका सुकुना रेंज में हो रहा है। और सर ये क्या कौन किसका एरिया पड़ता, फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है? फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है जी, और ये फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है और कोचंग सब डिवीजन में पड़ता है। अच्छा, ये भूखनन जो हो रहा है सर, आप लोग की तरफ से क्या लगता है कि ये जायज है, लीगल है या इलीगल है? इसके लिए हम लोगों ने अभी फोन किए थे यहाँ का जो रेंजर साहब को, तो रेंजर साहब बोल रहा था कि इसका सब उन लोगों के पास में पेपर वगैरह है बोल के। तो यही अब हम लोग जाके वेरीफाई करेंगे कि वो पेपर ठीक है या सही है ना। अगर इलीगल होने से आप लोग की तरफ से क्या स्टेप रहेगा? ये इलीगल यदि रहेगा तो हम लोग ये जो मैटर है उसको एस्केलेट करके हम लोगों का जो एडीएम साहब तक पहुंचा देंगे, डीएम साहब तक पहुंचा देंगे, और वहां का जो भी करशंग सब डिवीज़न का, क्योंकि एक्सट्रैक्शन तो करशंग सब डिवीज़न का एरिया में हो रहा है, तो करशंग का वहां सब डिवीज़न ऑफिसर सर को भी, एसडीओ सर को भी हम लोग ये बात बता देंगे। जी, मैं हरिनाथ शर्मा मटिगढ़ पंचायत समिति कर्माध्यक्ष जनस्वास्थ्य डिपार्टमेंट से हूँ। तो ये जो न्यूज में आया जी, यहाँ इनलीगल कंस्ट्रक्शन का जो बेड मिसाइल निकाल रहा है पोकलिंग लगा के और जेसीबी लगा के नंबर में लोड करके ये बेड मिसाइल बाहर जा रहा है बोल के जो एलिगेशन लगाया गया उसी का तहकीकात करने के लिए आज हम लोग पंचायत समिति के ओर से पंचायत समिति मेंबर्स और हमारे पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष साथ ही बीएलआरओ आरओ सभी ने हम लोग एक ज्वाइन विजिट करने के लिए हम लोग यहाँ आज पहुँचे हैं। तो आके यहाँ जो जानकारी मिला, ये करशंग सब डिवीजन में आता है, तो करशंग सब डिवीजन के अंडर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इन लोगों ने ऑथराइज लिया हुआ है बोल के बता रहा है यहाँ का जो इंचार्ज है, उन्होंने बताया। तो अभी हम लोग कागज़ नहीं देखा है, हम लोग उन लोगों से जो ऑथराइजेशन लेटर है वो हम लोग मांगे हैं, देखते हैं ऑथराइजेशन। और साथ ही ये जो डिमार्केशन एरिया है करशंग सब डिवीजन कहाँ तक आता है ये हम लोग को खुद को भी पता नहीं है, तो करशंग डिवीजन बोल के कहीं फिर हम लोग का गांव इलाका में भी चला जाए तो यहाँ जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन को भी आगे जाके बारिश का टाइम में जोरदार यहाँ बारिश होता है, आप लोगों को पता ही है, तो आगे अगर ऐसा बारिश होगा और तो हमारे गांव वाला को, लोकल पब्लिक को भी बहुत दिक्कतें झेलना पड़ेगा। अच्छा सर, भूखनन और वृक्ष काटना भी एक प्राकृतिक के विरोध में ही है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से किस हिसाब से परमिशन दिया गया, जबकि ये एरिया एक सेंसिटिव एरिया है, जैसे कि बारिश का टाइम में ये जितना भी पानी है, बारिश का पानी गांव में अगर चला गया तो पब्लिक सेफ रहेगा नहीं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, भूखनन और प्राकृतिक जो बता रहे हैं आप, ये आप सही बता रहे हैं, ये है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग का डेवलपमेंट काम भी तो करना चाहिए। तो डेवलपमेंट के लिए जैसे नेशनल हाईवे बन रहा है
तो जहाँ तक हम लोग को अभी पता चला है सभी गाड़ी में ऑन ड्यूटी पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, तो ये नेशनल हाईवे में शायद ये बैट मिसाइल जाएगा, ये अभी डैम्पिंग करवा रहा है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर परमिशन दिया होगा तो लीगल है तो ठीक है, काम चलेगा। अगर इनलीगल है तो हम लोग बीएलआरओ ऑफिस, वीडियो ऑफिस, जो भी प्रशासनिक स्तर से है, हम लोग इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। प्रतिज्ञा राय, गुरुमा बीट ऑफिसर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से आप? जी जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अच्छा, बीट ऑफिसर है आप? बीट ऑफिसर जी। ओके, ये गुरुमा जो है हमारा अंडर में, हमारे ऊपर है, हमारा मैंने करसंग का अंडर में, नहीं नहीं दार्जिलिंग का, दार्जिलिंग का अंडर, वाइल्ड लाइफ डिवीजन, वाइल्ड लाइफ। हाँ जी, हाँ जी, ये सोयल में पड़ता है ना? नहीं नहीं, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ। ओके, या तो हम जो काम कर रहे हैं तो हमको ऊपर से ऑर्डर मिला है। ओके, हमारा पास कागज भी है, हमने तो दो नंबर तो नहीं किया है। अच्छा, ये जो कर रहे हैं हम मैंने दिन में कर रहा है, अगर चोरी करना होता तो रात में भी कर। अच्छा सर, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि भूखनन और वृक्ष काटना, ये भी तो प्रकृति के विरोध में एक गलती है। गलती जैसे कि ये बारिश का टाइम में यहाँ का पानी ओवरफ्लो होके गांव में भी जा सकता है, अगर इस हिसाब से भूखनन अगर हुआ तो पब्लिक कैसे सेफ रहेगा? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किस हिसाब से परमिशन दिया? ये तो हमसे नहीं, ये तो ऊपर से ऑर्डर मिला है, हमको तो नहीं पता इतना। तो इसका मतलब आपके पास वर्क परमिट है? जी जी, परमिशन है जी। तो क्या वो देखा पाइएगा? जी, ला रहा है हमारा रेंज ऑफिसर। प्रकृति को बचाना भी हम लोग का धर्म, अवैध कार्य वृक्ष काटना भी एक अपराध। नमस्कार, मैं योगन बरदेवा प्रैक्टिकल खबर से आप लोग के सामने एक पेपर लेके आया हूँ। कोई ना कोई इसमें तो रहस्य होगा ही, कोई ना कोई इसमें खबर तो होगा ही। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये नदी जहाँ पर बालू, गिट्टी, ये गाड़ी भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ न कुछ तो यहाँ पर हुआ होगा। मैं अभी फिलहाल हूँ पश्चिम बंगाल राज्य का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत सिलोड़ी नजदीक मिलन मोड़। ये नदी जो देख रहे हैं, गोरमा खैर छोड़ा नदी, यहाँ पर एक एलिगेशन लगाया गया है कि ये जो अवैध कार्य बोल के बदनाम किया जा रहा है, इसका रिलेटेड मैं ये पेपर आप लोग के सामने लेके आया हूँ। ये है वर्क परमिट, ये है वर्क परमिट, ये हमें मेमो नंबर है 11AWL18/3। और उसके बाद आप देखेंगे हमें जो अलॉटमेंट मिली है, अलॉटमेंट 40,000 m³ का हमें मिला, और ये सेकंड हमारा लिफ्टिंग है। ये हमें 24 तारीख को इसकी परमिशन मिली थी। मेरा नाम जय प्रकाश झा हुआ, मैं यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। कौन सा कंपनी का? रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, जो यहाँ पे सिलीगुड़ी एलिवेटेड हाईवे बन रही है जी, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये जो अभी खनन का कार्य हो रहा है, वो उपयुक्त जितने भी परमिट है वो सब हमें मिले हैं, सभी परमिशन हमारे पास है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जो कि आर्मी एरिया में भी शुरू हुआ है और गांधी मैदान इलाके में ही शुरू हुआ है। यहाँ पे हम अभी जो सामान जमा करके रखे हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में काम करने के लिए हमें जरूरत होगा। अच्छा, किस साइड पर जमा कर रहे हैं सर? वो हमारे इस तरफ आप सामने देखेंगे, हमारे ठीक सामने जो है हमारा सामान जमा करके हम रखते हैं। ओ, बारिश में तो ये साइड में तो नदी ज्यादा होगा, ज्यादा हो जाएगी, इसलिए अभी रखना पड़ेगा, नहीं तो बरसात में बिल्कुल ही काम बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए हमें ये स्टॉक करना पड़ रहा है। अथॉरिटी आप लोग को दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, कितना तारीख से कितना तारीख तक का है? ये हमें 24 को मिला है दूसरा, उसके पहले हमें मिली थी पहली, ये दूसरा किस्त है हमें, और ये हमें एक्चुअली 45 दिनों के अंदर करना है। उसके अंदर में अगर हम नहीं कर पाएंगे तो बचा हुआ क्वांटिटी बरसात के बाद ही हम उठा पाएंगे। अच्छा, तो आप लोग का ये खनन कार्य लैंड डिमार्केशन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, जरा दिखाइए का, जो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ का एरिया है ना, वाइल्ड लाइफ का एरिया है वहाँ पे, आप देखेंगे पत्थर व्हाइट कलर का पत्थर देखिए, उस तरफ लगे हुए हैं। जी जी जी, उस तरफ व्हाइट कलर के पत्थर लगे हुए हैं, हमारा बीच का एरिया है। यहाँ से इस एम्बैकमेंट से 110 ऐसे 110 मीटर छोड़ के, उस एम्बैकमेंट से 110 मीटर छोड़ के बीच का जो एरिया है, वो एरिया हमें मिला है। देखिए, हमें नहीं लगता है कि लोगों को सत्य पता है, सत्य जानना चाहिए सब लोगों को। और हम एक जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, भारत सरकार की एक प्रोजेक्ट है, एनएच का एक प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी इसको मॉनिटर करती है, तो इस तरह से बोल देना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सब कुछ बिना कागज के हम कुछ नहीं कर सकते, बिना परमिशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते।
जो वर्क परमिट है, अगर कोई जाके डीएम ऑफिस में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस में या ऑनलाइन भी चेक कर सकता है? हाँ, उनको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकता है, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ना, जिनको जिनको मिला है वो तो ऑनलाइन रहती है कि यहाँ पे किसको परमिशन मिला है। वो जब जाएंगे मिनरल के साइट पे तो उन साइट पे रहता है कि हाँ उन्हें परमिशन मिली है या नहीं। मेरा नाम शरण खड़का है, मैं खरजोड़ा फॉरेस्ट बस्ती से हूँ और मैं खरजोड़ा एक फॉरेस्ट विलेज है और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो मैं यहाँ एक JFMC बोल के, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बोल के एक कमेटी है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मिल के काम करती है, उन प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और विभिन्न प्रकार के कामों में सहायता करती है, तो उनका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो यहाँ से खनन कार्य, जो बालू गिट्टी जो यहाँ से उठा रहे गाड़ी, जो मशीन लगा हुआ है, ये सिलीगुड़ी में बालासन से लेकर यहाँ पर मिलिट्री कैंप तक एक हाईवे 4 लेन का वर्क काम शुरू होने जा रहा है। तो इस काम के लिए ये शुरू किया गया है और ये एक तो महानंदा नदी से ये उठा रहे हैं और ये महानंदा नदी जो है ये जहाँ से उठा रहे हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। और आप सबको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये एक वाइल्ड लाइफ एरिया है और वाइल्ड लाइफ में विदाउट परमिशन किसी को भी नदी में भी घुसना मना है, लेकिन ये लोग ऐसे इस तरह से उठा रहे हैं। इसमें इन लोगों का परमिशन है, इन लोगों को परमिशन मिला है, इसीलिए यहाँ से ये बालू जो गिट्टी है जो रोड के काम के लिए ये उठाया जा रहा है। विदाउट परमिशन ये लोग यहाँ घुस भी नहीं सकते, यहाँ मशीन ही नहीं डाल सकते। और इसीलिए ये जो विभिन्न पत्रिकाओं में जो हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के एलिगेशन लगा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अच्छी तरह से स्टडी करें, बातों को समझें, उसके बाद रिपोर्ट करें और लिखें, क्योंकि इस प्रकार से बाहर बैठ के दूर से फोटोग्राफी लेके बेकार की बातें पत्रिकाओं में लिखना ये एक गलत बात है और इसे अफवाह हमें न डालें, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये अच्छे के लिए काम हो रहा है और जो ये जो काम कर रहे हैं ये इलीगल नहीं है, ये लीगली ये लोग ये काम। मैं सर रचना कंस्ट्रक्शन से, हाँ जी, मैं यहाँ का मैकेनिकल इंचार्ज हूँ, हाँ जी, कंपनी में, और ये जो खनन कर रहे हैं उसका हमारे पास परमिशन है।